राजा गुलजार साहब, राजा जावेद साहब, जुल्फकार साहब, इनके वालदैन के सारे सवाब के लिए भी, खसूस इनके वालद मोहतरम बड़े दरवेश सत इंसान थे और बड़े मुशफिक शफकत रखने वाले, दर्द दिल रखने वाले इंसान थे। अल्लाह तबारक व तआला उनके दराजात बुलंद फरमाए और इनकी इस कावश को जितना भी यहाँ जिक्र अजकार हुआ, तिलावत हुई, वाद नसीहत, अल्लाह तबारक व तआला इनके वालदैन के दराजात बुलंद फरमाए। शान के मुताबिक सारे सवाब के मुताबिक जनाब समाप्त करने का चंद गल जनाब ने कोश गुजार करा। पहली गल तो यह है कि जरा सैलाब आया बाद बंदे ने वो आने की अल्लाह का आजाद है, बाद आने की एक आजमाइश है, ठीक है। सब तो पहले असा यह गल समझनी है कि यह अल्लाह का आजाद है या आजमाइश है, ठीक है। फिर जो तायुन हो जाएगा ये आजाद है या आजमाइश है, फिर असा अगर करवा। देखो एक होनी है आजमाइश, एक होना आजाद। मोटी जी मैं मुख्तसर तारीफ करना कि आजाद हमेशा ना फरमाना था, आजमाइश हमेशा अल्लाह ने बनिया तो नेक बनिया था, अल्लाह ने आजमाना, ठीक है। हूँ असा तकना कि यह आजमाइश है या आजाद है, ठीक है। जे असा सारे इस धरती बसने वाले लोग जिथे जिथे मामला होना पे साढ़े नाल, या जलजला आया, सैलाब आया, जे असा पांच वक्त के नमाजी हैं, ठीक है, असा नहीं कोई नमाज छुटनी, कोई नहीं। अच्छा उशर असा कढ़ने हैं, जकात असा देने हैं, हया गैरत ने मामलात असा पूरे करने हैं, कुरान हदीस की असा कंड ना करने, असा उसका अमल पैरा होने, फिर आवे अजाब अल्लाह की तरफों तो फिर वो अजाब नहीं आजमाइश है। इस आजमाइश न अल्लाह तबारक व तआला नेक बंदियां ने गुनाह दूर कर लिया, उन्होंने दर्जे बुलंद फरमा। जे असा इस कायनात अल्लाह ने ना फरमानी की कोई कसर नहीं छोड़ी, असा कोई हद नहीं छोड़ी, हद हद असा फलांग गए हैं। अल्लाह दी जिहड़ियां हदूद सन अल्लाह फरमाया इस तो क्या तुसा नहीं बदना, तो जे असा उस तो बद गए हैं तो फिर समझो अल्लाह का अजाब है। तो जब अल्लाह का अजाब आना एक असा तो अजाब देने का तरीका बनया ना, अल्लाह का जो अजाब आना अल्लाह फरमाना मन आ अन ज़िक्री फ़इन्ना लहु मईशतन ज़ंका, अल्लाह फरमाना जब मैं कुछ पकड़ना मैं उसने जीना तंग कर छोड़ना, उसने जीना उस बंदे ने मैं तंग कर छोड़ना। ये जो कुछ साढ़े नाल होना पाल अजी आजमाइश ने यह अल्लाह का अजाब है। हूँ तुम तको असा कि गुनाह धरती का ना करने, हजर जी दुद्ध पानी असा को पानी अंसर साहब आए से जलजला आवेगा, जलजला आना गुनागार बनया, असा तो नेक बने ना, असा कहीं दुद्ध पानी पाया ना, असा पांच टाइम मसीतियों के हाजिर हो, अलाम सुबह सारी मस्जिदों में कोई नहीं होने के बच्चे मसीती पढ़ाओ, ये तो पार्ले जुआना लाका उत्थे ऐलान करने मोदी साहब असल पंजे टाइम बच्चे मस्जिद भेजने अपने न्याणे आजाद उत्थे आना जिथे अल्लाह ने ना फरमानी है, मैं आजाद उत्थे आना जिथे अल्लाह रसूल ने ना क्रास कीतियां जा ना फरमानियां कीतियां जा, असा कोई ना फरमानी ना करने ना दुद्ध पानी पई है ना नमाज छोड़ी है ना घुमाई असा तंग करी है, ठीक है, तो ना और चीज है शरीयत ने ना फरमानियां करी असा बिल्कुल पाक साफ, ये असा नुमाइश है चंद दिनों वास्ते आप बरह। अल्लाह तबारक व तआला ना आजाद हमेशा अल्लाह दी ना फरमानियां दा आना अद्धा क्रास कर लेना, जिहड़ा बंदा हाथ क्रास ना करे अगर कि पानी का शायद दुनिया की हर शायद अल्लाह उस बंदे के ताबे कर छोड़ना। हजरत सफीना रजी अल्लाह तआला अन्हु का तुसन वाकया सुनया लगा, हजरत ने सहाबी सन सहाबी जंगल में जाने सन पे तो अपने काफले नाल बिछड़ गए, सहाबा नाल बिछड़ गए तो अगे ढले रह गए तो जंगल में शेरा घेर लिंदा, शेर आया उस मुंह खोलिया खाने वास्ते तो सहाबी उठे उन्हें आख्या तू पता नहीं मैं कौन हाँ, अपना तारुफ कराया फरमाया मैं नबी ना गुलाम हाँ। हाँ जी जिसे शेर यह गल सुनी शेर आख्या या अल्लाह तू मी जुबान दे मैं जिस बंदे ने जिस हस्ती ने तारुफ कराना मैं इसी दसा कि उसका मकाम आने तेरा क्या है। शेर को जवाब दिता शेर आख्या तू आने मैं नबी ना गुलाम हाँ, जे नबी ने गुलाम है फरमाया सब तक गुलाम, फरमाया तू मैं रास्ता देना पाई से तू चला। शेर